नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे देखा जाए तो YouTube में 5000 से भी ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है और 5000 से भी ज्यादा प्रीमियम कोर्सेज में ऐसी ही कुछ स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। जब इतनी सारी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है हमारे फिंगरप्रिंट्स पे, तो क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर भी काफी सारे ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आता है माइंडसेट और साइकोलॉजी का कहीं ना कहीं मेजर रोल है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। तो मैंने एक ये पूरा वीडियो बनाया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि जो एज ए मैं ट्रेडर अभी भी कुछ चैलेंजेस फेस करता हूं या तो मैंने प्रीवियसली चैलेंजेस कुछ फेस की थी, जो पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। सिर्फ 6 टॉपिक्स के बारे में हम आंसर करेंगे कि ये 6 चैलेंजेस कौन सी है और उसका सॉल्यूशन मैंने किस लिए निकाला ताकि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। तो अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड हो, अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में इंटरेस्टेड हो, तो आप ये वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो ज्ञान है, ये तो लेक्चर है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं हमें तो टेक्निक्स ही चाहिए, हमें तो मैजिकल स्ट्रेटेजी ही चाहिए, तो अभी शायद 1-1.5 मिनट हुआ है, आप यहां से मेरा वीडियो स्किप कर सकते हो। जो लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, मैं वो ऐसा अज्यूम करता हूं कि आप लोगों को सही में इंटरेस्टेड है कि भाई आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है, क्यों हम लोग कई बार पीछे रह जाते हैं हालांकि हमारे पास काफी सारी टेक्नोलॉजी और टूल्स अवेलेबल है। तो वो 6 चीजों के बारे में, 6 मेजर चैलेंजेस और 6 मेजर सॉल्यूशंस के बारे में मैं बात करूंगा बहुत अच्छी तरह से, पेशेंस के साथ, में कोई जल्दी नहीं करने वाला। तो सबसे पहली चीज उठा लेते हैं कि कई बार हमारे साथ क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 कि व्हेन वी आर रॉन्ग वी कांट एक्सेप्ट इट, ये पॉइंट नंबर 1 है कि कई बार हम गलत होते हैं पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, जैसे कि मैं निफ्टी का कुछ एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, मेरा एक कॉल लेने का डिसीजन है, तो मेरी स्ट्रेटजी सही है, मेरा प्राइस एक्शन का नॉलेज सही है, मैं सब कुछ रिसर्च करके बैठा हूं और मैंने उस जगह पे कुछ अच्छी क्वांटिटी से कॉल लिया। अब थोड़ी ही मिनटों में मार्केट नीचे आने लगा और ऑलमोस्ट मेरा एसएल हिट होने जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट उस पॉइंट पे आ गया कि जहां पे मेरा एसएल हिट हो रहा है, मुझे मार्केट में से निकल जाना है। अब कई बार एज ए ट्रेडर हमारे साथ क्या होता है, बताए, फिर भी हम मार्केट में से निकलते नहीं है, हम एसएल मूव करते रहते हैं अपने, या तो एक साइकोलॉजिकली एसएल सोचा होता है बट देखते रहते हैं, एवरेजिंग स्टार्ट होता है। ये हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि पोजिशन लेने के बाद हम साबित हुए गलत साबित हुए, राइट। व्हेन वी आर रॉन्ग वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट, कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। क्योंकि हमारा माइंड में क्या चल रहा है, बताए, अरे यार मैंने लेट नाइट एनालिसिस किया था, ये सेटअप तो काफी सारी बार वर्क करता है, मार्केट भी सभी इंडिकेशन ऊपर जाने के दे रहा है, चार्ट भी सही जा रहा है, ये नीचे आया क्यों, नहीं नहीं ये ऊपर ही जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बताए, जहां से निकलना है ना, अब हम निकलते नहीं, अब हम थोड़ा एवरेजिंग करेंगे, मार्केट और नीचे आ रहा है, राइट। अब मार्केट को जाना था ऊपर, आप, मैं 100% सही हूं, मैं 101% सही हूं, बट मार्केट नीचे जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो मैंने ये देखा हुआ है कि हमारे साथ क्या होता है, बताए, कि हम लोग इतना अपने माइंड में जा चुके होते हैं कि यार मेरा रिसर्च सही है, मेरा एनालिसिस सही है, और एक बायस माइंड में घूम जाता है हमारा। उसकी वजह से क्या होता है कि हम एसएल आता है तो एसएल को हिट नहीं होने देते, वहां से निकल नहीं सकते। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये कहां से ये साइकोलॉजी आ रही है स्टॉक मार्केट में। जैसे कि रियल लाइफ में, फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत ही लॉयल, एथिकल, बहुत अच्छे इंसान हो, ऑनेस्ट इंसान हो, राइट, और जब आप रोड पे ड्राइविंग करते हो तो आप बहुत एथिकली सब रूल फॉलो करके बहुत एकदम बेस्ट इंसान हो। लेट्स से कि एक बार आप सुबह सुबह वॉक करने जा रहे हो, पीछे से गाड़ी आ रही है, फोर व्हीलर, बहुत ही स्पीड में, और वो फोर व्हीलर चला रहा है कोई 19 साल का लड़का जिसको नया नया लाइसेंस मिला है और उसके पापा ने उसको गाड़ी खरीद दी है, और वो आपको हिट करके चला जाता है। अब नेचर कुछ ऐसा है, नेचर ये नहीं सोचेगा कि आपका IQ कितना है, आप कभी ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो कि नहीं करते हो, आप कितने एथिकल हो। आपकी लाइफ शायद वो 19 साल के लड़के के हाथ में है जिसने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा हुआ है और वो मस्ती में है, राइट। तो आप सही हो फिर भी आप गलत हो, आप सही हो फिर भी आपका एक्सीडेंट हो रहा है।
तो वही चीज मैं आपको ले जाता हूं ट्रेडिंग की दुनिया में, कि कई बार मैंने ये रियलाइज किया कि यार मैं बहुत सही हूं बट मार्केट मेरे को गलत ठहरा रहा है, तो मैं क्या करूं। और हम SL को इसलिए बुक नहीं कर पाते क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा होता है कि मैं तो सही हूं, मैं तो गलत नहीं हूं। और SL बुक करना इसका मतलब ये है कि जो कल रात का रिसर्च किया था, एनालिसिस किया था, हम लोग 24 घंटे से कुछ बायस लेके घूम रहे थे, वो बायस गलत बता रहा है, मार्केट गलत बता रहा है। कई बार होगा ना, देखो कई बार मैं चार्ट एनालिसिस करता हूं ना, तो मेरा प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे लगता है ये चार्ट वीक ही है भाई, ये कोई हिसाब से ऊपर नहीं जाएगा, वीक मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है। दूसरी दिन क्या होता है पता है, थोड़े दिन आधे घंटे बाद मार्केट ऊपर जाता है, एक लेवल तोड़ता है, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऊपर जाना ही नहीं जा रहा है। तो फोकस ऑन द प्राइस एक्शन लेवल्स, मार्केट लेवल पे चलता है, लेवल को फॉलो करो। बाकी अगले दिन या तो पिछले हमने जो भी एनालिसिस किया वो सही है, ऐसा नहीं है, पर आज के दिन में जो लेवल्स तोड़ रहा है वो लेवल के साथ भागना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। और SL जहां पे वहां पे डालना पड़ेगा। आप ये कार वाला एग्जांपल मैंने दिया ना, वो याद रखो, ऐसा नहीं कि किसी का IQ बहुत अच्छा है, वो बहुत एथिकल है, तो उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। उसका एक्सीडेंट कोई कोई बंदा जिसने पांचवी कक्षा तक ही पढ़ा हुआ है, राइट, और कोई एथिक्स नहीं है, वो सुबह सुबह ही एक्सीडेंट करके चला जाता है, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं, उसके सामने कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैंने इस तरीके से सीखा कि मेरा SL हिट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं, उसका मतलब ये है कि ठीक है भाई, जो भी है ये सिचुएशन है, एक्सेप्ट कर लो, तो मुझे उसका थोड़ा फायदा हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग का। पॉइंट नंबर 2, होल्ड लॉसेस एंड कट द प्रॉफिट। ये क्या होता है, लॉसेस होते हैं तो हम होल्ड करते हैं, प्रॉफिट होते हैं तो निकल जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूं। देखो हमारे साथ क्या होता है, हम कोई पोजिशन में है, ठीक है, तो हमें धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट होता है, तो हम 2000, 5000, 10000, 15000, 20000 तक के लॉस बेस्ड ऑन अवर कैपिटल हम होल्ड करते हैं, ठीक है। और दूसरे ही दिन हमें 3000 का प्रॉफिट होगा तो हम निकल जाएंगे, फिर वो 3000 का प्रॉफिट 22000 दिखेंगे तो हम पछतावा करेंगे, राइट। ऐसा क्यों होता है, हमको ऐसा लग रहा है कि यार ये 3000 का प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए इसलिए बुक कर लो, राइट। तो हमारा जो पेन है, हमारा फियर है, वो लॉस की साइड नहीं है। आप लोग समझो, ये वो कोई नहीं सिखाएगा आपको। देखो हम लोग लॉस में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एवरेज आउट करते हैं, बड़े बड़े लॉस 30-30, 40-40, 50-80 पॉइंट प्रीमियम के लिए या तो स्टॉक प्राइस के लिए हम रुकते हैं। वही चीज हम प्रॉफिट में क्यों नहीं कर पाते, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप रियल लाइफ से सीखो, रियल लाइफ में हमें क्या सिखाया जाता है कि होप रखो, ऑप्टिमिस्ट बनो, कल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, कल सभी चीजें चेंज हो जाएगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम लॉस में होते हैं तो वो साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो कोई बात नहीं मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगा, कोई बात नहीं मार्केट टर्न अराउंड हो जाएगा, कोई बात नहीं मार्केट टर्न, पर मार्केट काफी सारी बार, कुछ बार ही टर्न अराउंड होता है, काफी सारी बार टर्न अराउंड नहीं होता है। और प्रॉफिट की वजह से हम डरते हैं, प्रॉफिट 3000 का 4000 का दिखेगा आप लोग बुक कर लोगे, लॉस 10000 का दिखेगा बुक नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है, रियल लाइफ में जब हमें छोटे छोटे फायदे होते हैं तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बड़े नुकसान में हम लोग सालों साल वेट कर रहे हैं कि यार बिजनेस सही नहीं चल रहा है, वेट करते हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, दो दो तीन तीन साल वही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, राइट, अच्छा रिव्यू नहीं मिल रहा है वहीं पे टिके हुए हैं, हार्डवर्क ये सब हमें सिखाया जाता है, वही साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में वर्क नहीं करती है। एक्चुअली हमें क्या करना है कि जो भी हमारा SL है उस पर निकल जाओ, दोबारा एंट्री लेनी है तो री एंट्री लो, कोई बात नहीं, थोड़ी मूवमेंट आसमान से चल गई कोई बात नहीं, बट अब अगर हमें पता चलता है कि मार्केट अपने फेवर में धीरे धीरे जा रहा है तो वहां पे क्वांटिटी उल्टा ऐड करनी है, हमें क्वांटिटी नीचे की साइड ऐड नहीं करनी है, हमें क्वांटिटी ऊपर की साइड ऐड करनी है, बिकॉज यू आर नाउ ऑन द राइट ट्रैक, आपकी ट्रेन चल चल पड़ी है तो उस ट्रेन को और धक्का मारो, पर अगर आपकी ट्रेन रिवर्स में आ रही है तो वहीं से निकल जाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये साइकोलॉजी थोड़ी मैंने अडॉप्ट कर ली कि देखो SL बुक होता है होने दो, छोटा मोटा लॉस मेरे को दिखता है, पेन होता है वो पेन ले लो, ठीक है, दूसरी बार एंट्री करनी है तो कर लो, बट अगर मेरी ट्रेन सही ट्रैक पे चल रही है तो मैं क्वांटिटी ज्यादा ऐड करूंगा, ये पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। आगे जाते हैं, थर्ड पॉइंट, जॉब माइंडसेट वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। देखो काफी सारे लोग जॉब करके स्टॉक मार्केट में आते हैं, फिर उनका थिंकिंग क्या होता है बताए, मुझे रोज के 1000 मिल जाए, स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, चलो देखते हैं कुछ ट्राई करते हैं। एक बिजनेस वाला बंदा आता है ना बिजनेस माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में, तो
तो देखता है ओके अल्टीमेटली जो भी रिटर्न है वो मेरी कैपिटल पे मिलने वाला है और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, राइट। जिस तरीके से मैं रिस्क लूंगा उस तरीके से मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो वो सोचता है कि मैं हर 6 महीने हर साल में कितना निकाल लूंगा। जो लोग जॉब माइंडसेट से आते हैं वो बोलते हैं रोज के 1000 रुपए, रोज के 5000 रुपए। सो इस तरीके से आप सोचोगे ना तो उस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट देने वाला नहीं है। मैंने इससे पहले भी बोला था कि स्टॉक मार्केट कैसा है कि अगर आपका कुछ टारगेट है मंथली और ईयरली के बेस पे, तो एक एवरेज अपने को पता है कि एवरेज वीकली इतना कमाना है, ऐसा होता है। अब कई बार क्या होता है पता है, हमारे 3-4 दिन खराब जाएंगे पर वीक में एक दिन ऐसा आ जाएगा ट्रेंडिंग कि अच्छा पैसा बन जाएगा, तो पूरे वीक के जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं या तो छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ है वो पूरा रिकवर हो जाएगा। तो मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जो लोग जॉब माइंडसेट से आते हैं वो मैजिकल स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहते हैं, वो हजारों चीजों को फॉलो करते हैं, वो मैजिकल टिप्स के पीछे पागल हो जाते हैं। ये लोग कभी भी स्टॉक मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, स्टॉक मार्केट में लर्निंग पे ध्यान नहीं देते, लर्निंग उनके लिए पेनफुल है। एक्चुअली मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो मेरा वीडियो है ना उसका जो टॉपिक है ना वो भी सीखने वाले लोग कम होंगे। अगर इसकी जगह मैं ऐसा कोई वीडियो डाल देता ना कि बैंक निफ्टी में रोज के 20,000 रुपए कमा लो, रोज के 10,000 रुपए कमा लो, तो उस पर व्यू ज्यादा आता मेरे। पर अगर मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वीडियो बना रहा हूँ तो बोले ये तो क्या बोरिंग चीज है, लेक्चर बकवास, ये सब कौन सुनता है, ऐसा साइकोलॉजी माइंडसेट कुछ नहीं होता, स्ट्रेटेजी होती है, करोड़ों बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल जॉब माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा है वो अलग तरीके से सोचेगा। सो ये चीज है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कंसिडर स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस, एंड एज अ ट्रेडर आपको बिजनेसमैन की तरह एक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे आ पाओगे, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट फोर्थ पॉइंट, फोर्सिंग द स्टॉक मार्केट। काफी सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट को फोर्स करते हैं कि मुझे तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, मुझे तो दिन का इतना पैसा चाहिए, मुझे वीकली इतना पैसा चाहिए, और कई बार चार्ट कुछ और बोलता है तो हम चार्ट की नहीं सुनते। हम लोग क्या करते हैं, नहीं चार्ट भले जो कहता है ये तो ऊपर ही जाना चाहिए, ये तो नीचे ही जाना चाहिए। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, हर जो नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आ रहा है ना वो बहुत कम समय में उसको ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया, ठीक है। उसमें काफी सारे ट्रेडर्स में, आजकल के यंग जनरेशन के ट्रेडर्स में कोई हम्बलनेस नहीं है, कोई लर्निंग का ही एक भूख नहीं है कि मैं लर्न करूंगा, थोड़ा स्ट्रगल करूंगा, थोड़ी मिस्टेक करूंगा और मैं सीखूंगा धीरे धीरे, ये नहीं है। उनको क्या है पता है, कैपिटलिस्टी में इतने डाल दी, ये 10 लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूं, कल जाके मैं लाखों करोड़ों बना लूंगा, राइट। दूसरी एक चीज मैं हर बार ही आपको बोलता हूं कि चार्ट बोलता है, चार्ट हमारे साथ बातें करता है, हमारे में एबिलिटी होनी चाहिए सुनने की। इसकी जगह हम क्या करते हैं पता है, मैंने चार्ट में ये एनालिसिस किया, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब की वजह से, टेलीग्राम की वजह से इतने लोग इतने ओपिनियंस देते हैं कि जिसका कोई मैटर ही नहीं है। चार्ट एक है, देखने वाले लोग लाखों है, चार्ट को बोलने दो, चार्ट के साथ आप फोर्स मत करो, स्टॉक मार्केट को आप फोर्स मत करो। स्टॉक मार्केट आपको इस तरीके से रिटर्न नहीं देने वाला है। स्टॉक मार्केट के साथ पोलाइट के साथ उसके बैठ जाओ कि भैया आप बड़े हो मैं छोटे हूं, आप जो करना चाहते हो करो, मैं आपको फॉलो करूंगा। तो स्टॉक मार्केट को फॉलो करोगे, चार्ट को फॉलो करोगे तो पैसा बनता है, बट अपनी चार्ट पे चलाओगे, अपनी स्टॉक मार्केट पे चलाओगे तो वह नहीं चलने वाला है। पॉइंट नंबर 5, फॉलो 1000 पीपल बट डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड पिछले 5 साल में आ गया है। एक ट्रेडर होता है ना वो इतनी सारी यूट्यूब चैनल फॉलो करेगा, टेलीग्राम चैनल फॉलो करेगा, व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करेगा, फिर ट्विटर में इतने अकाउंट्स को फॉलो करेगा। अब होता क्या होता है कि जब यही ट्रेडर जब ट्रेड लेने बैठता है ना निफ्टी बैंक निफ्टी कोई स्टॉक में, तो उसका दिमाग इतने सारे अलग अलग ओपिनियन से भर चुका है, दिमाग में इतना गार्बेज चला जाता है कि मैंने देखा हुआ है कि वो सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि उसने किसी का सुन के वो बाय साइड खड़ा हुआ है, फिर किसी का ट्विटर चेक करेगा, किसी का यूट्यूब चेक करेगा, किसी का टेलीग्राम चेक करेगा, और कोई सेल का कॉल देगा ना सेल साइड का तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे अरे अरे। और काफी बार क्या होता है पता है ऐसे ट्रेडर्स के साथ कि जब वो पोजीशन लेते हैं ना उसके 2 मिनट या 4 मिनट के बाद उसको ऐसा लगता है अरे यार ये क्यों मैंने पोजीशन ली। क्योंकि जब आप पैसा लगाते हो ना तब आपका माइंड थोड़ा क्लियरली वर्क करना शुरू करता है, तब आप सोचते हो अरे यार ये मैंने देखा नहीं, ये सब देखो चार्ट में तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, मैंने क्यों बाय कर लिया। तो होता ये आजकल ये हो रहा है कि हमें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है,
हमको हजारों यूट्यूबर्स चाहिए, हजारों टेलीग्राम चैनल वाले चाहिए, हजारों ट्विटर्स वाले चाहिए, सिर्फ छोटा मोटा प्रॉफिट करने के लिए। जिस दिन आप अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, और वो ट्रस्ट आएगा कहां से, कि जब आप कैपेबल बनना स्टार्ट करोगे। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि आप 5 या 10% कैपेबल बन गए ना, वो किसी के 100% से अच्छा है, खुद का 5% अच्छा है। तो ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। लास्ट टॉपिक 6th नंबर, रॉन्ग रोल मॉडल्स और कोचिंग हमें अच्छा नहीं लगता। देखो, काफी सारे ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं तो उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। ये मैं पिछले 4 साल का एक बहुत बड़ा चेंज बता रहा हूं मैं, कि ट्रेडर्स आते हैं, कुछ 1 लाख 2 लाख 50 हजार 4 लाख इतनी कैपिटल डालते हैं अपने हिसाब से, फिर वो लोग उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। कि जो बंदा ऐसा बोलता है कि मैं एक दिन का 25 लाख कमा लिया, एक वीक का करोड़ कमा लिया। अब इसमें होता क्या है पता है, कि आप नए ट्रेडर हो, आपको काफी सारा सीखना है, आपको काफी सारी ठोकरें खानी है, तो आप वो फेस में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपका रोल मॉडल वो बंदा है कि जो बंदा ऑलरेडी करोड़ों कमा रहा है। अब वो बंदा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वो भी आपको पता नहीं है, राइट? बट आप ऐसा सोच रहे हो कि ये बंदा करोड़ों कमा रहा है, ये तो महंगी कार में घूम रहा है, ये तो महंगे घर में घूम रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा है, और वो सोच के एक ट्रेडर 50,000 डालता है, 1 लाख डालता है, और करोड़ों के सपने देखने लगता है। पर रियलिटी क्या होती है, उसको लॉस होने लगता है, बिकॉज आपका रोल मॉडल इस स्टेज में आपने गलत चुना हुआ है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो पता है, आपको क्रिकेट खेलना है, आप अभी गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो, और आप टारगेट कर रहे हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो टॉप बंदा है उसको आप कोच, आप एक रोल मॉडल बना के बैठे हुए हो। ठीक है, इंस्पिरेशन लेना एक अलग बात है, बट आप जो गली मोहल्ले का क्रिकेट है वहां से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जंप नहीं कर सकते। पहले आपको सिटी लेवल पे अलग अलग मैच खेलनी पड़ेगी, फिर स्टेट लेवल पे अपने परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके कुछ अलग अलग चैंपियनशिप ट्रॉफी में कोई आपको देखेगा, फिर मतलब एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, और हर एक जो सीढ़ी है उसका एक अलग चैलेंज होता है। अब आप क्रिकेट खेल रहे हो गली मोहल्ले में, आप कॉपी कर रहे हो वो बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेटिंग खेल रहा है, तो इस तरह से तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, दुनिया के कोई फील्ड में इस तरह से आगे नहीं बढ़ोगे। आप नए नए कोई म्यूजिक, नए नए कोई फिल्म डायरेक्टर होता है, ठीक है, अब वो बंदा बोल रहा है कि यार ये जो फिल्म 500,000 करोड़ क्रॉस कर रही है, तो जो फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है, मैं तो बस वैसे ही बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, इनिशियली बजट कम होता है, इनिशियली एक्टर्स आपके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होते, तो आपको स्टोरी वगैरह पे फोकस करना पड़ता है। सो एक लॉन्ग टर्म विजन सही होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म विजन के लिए फिर छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। दूसरा, काफी सारे जो ट्रेडर्स है, जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में, उनका एक एटीट्यूड क्या है पता है, हमको सीखना नहीं है, ये सीखना क्या होता है, आप टिप्स प्रोवाइड कर दो, कोई बड़े बड़े ट्रेडर्स को मैं फॉलो कर लूंगा, कॉपी ट्रेडिंग कर लूंगा। तो क्या होता है पता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये अनकोचेबल होते हैं। तो कोचिंग का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, पर हम लोग काफी बार लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, तो हमको सिखाया नहीं जाता कि कोचिंग कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप टेनिस खेल रहे हो, स्विमिंग में हो आप, तो एक टाइम पे आपको स्कूल छोड़ के कोच के पास भेजा जाता है, टीचर के पास नहीं भेजा जाता। कभी आपने सुना है कि ये बंदे का टीचर कौन था क्रिकेट में फुटबॉल में? वो कोच होता है। स्पोर्ट में कोच क्यों होता है, वहां पे टीचर क्यों नहीं होता? क्योंकि कोच कड़वा होता है, कोच ने सक्सेस और फेलियर दोनों देखे होते हैं। टीचर एक बंद बॉक्स में यूनिवर्सिटी और स्कूल में पढ़ाने वाला बंदा होता है, उसके पास से प्रैक्टिकल चीजें नहीं सीख सकते। कोच ने एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ की अच्छी और बुरी चीजें, तो वो आपको उस तरीके से आपको ट्रेन करेगा, आपको मोल्ड करेगा। तो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमको कौन अच्छा लगता है? टीचर्स अच्छे लगते हैं। शॉर्टकट दे दो, मैजिक्स दे दो, टिप्स दे दो, कोच होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल फील्ड में बहुत कम होते हैं, राइट? तो आपको कोचेबल बनना पड़ेगा। तो अगर आप क्रिकेट का, स्विमिंग का और या तो फुटबॉल का एग्जाम्पल रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं सर सही बात है, तो आप स्टॉक मार्केट में भी बी ओपन फॉर कोचिंग, कि आपके पास कोई कोच या तो एक मेंटर होना चाहिए। आप जो लोग ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे पर करके आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं, मैजिकल स्ट्रेटजीज दे रहे हैं, वो आप आगे नहीं आ पाओगे। जैसे कि आपको या किसी आपके फ्रेंड को क्रिकेट में या फुटबॉल में आगे बढ़ना है, ठीक है,
तो वो बंदा ऐसा बोलेगा कि यार मुझे सिर्फ टेक्निक सिखा देना, शॉर्टकट सिखा देना, तो उस तरीके से उसको नेशनल लेवल पे सिलेक्ट किया जाएगा कि उसको कई बार 4 मारनी आ गई या तो 6 मारनी आ गई। उसको हर एक चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा और वो एक कोच ही सिखा सकता है। और काफी सारे ट्रेडर्स को कोचिंग का कंसेप्ट क्या है पता नहीं है, मेंटरशिप का कंसेप्ट क्या है पता है, कोचिंग और मेंटरशिप ज्ञान लेक्चरबाजी ये सब लग रहा है। उनको चाहिए कि पूरा दिन बताते रहो कि हम हजारों में से करोड़ों कैसे बना सकते हैं, मैजिकल स्ट्रेटेजीज देते रहो, मैजिकल टिप्स देते रहो। तो मैं रिकैप करवा देता हूँ, मैंने 6 इंपॉर्टेंट चीजें बोली, ये मैं मेरी लाइफ से भी सिखाऊं और दूसरों को सिखाते सिखाते भी मैं सिखाऊं, तो मैं 6 इंपॉर्टेंट चीजें रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, जब हम गलत होते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एसएल बुक कर नहीं सकते क्योंकि हमें लगता है कि हम सही है। नंबर 2, लॉस को हम ज्यादा होल्ड करते हैं, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रॉफिट से डरते हैं, लॉस में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। नंबर 2, जॉब माइंडसेट लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में, हालांकि हमारा माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस का। 4th, चार्ट की सुनते नहीं है, स्टॉक मार्केट की सुनती नहीं है, हमें अपनी चलानी है इसलिए हम स्टॉक मार्केट को फोर्स करते हैं। फिर हजारों लोगों को फॉलो करते हैं पर खुद को 5% कैपेबल नहीं बनाते। और लास्ट 1, रॉन्ग मॉडल्स, हमारा जो रोल मॉडल है वही हमारा गलत है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है लाइफ में, कई बार आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हम ऐसे लोगों से सीख सकते हैं कि जो एक्चुअली फेल हुए हैं। स्टॉक मार्केट में हम ऐसे लोगों से सीख सकते हैं जो फेल हुए हैं, राइट? क्योंकि यूएस, काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि कई स्टार्टअप्स बहुत फेल जाते हैं, कई कंपनियां बहुत फेल जाती है, तो ऐसे बंदों को हायर करके उसको मेंटरशिप के लिए रखते ही नहीं कंपनियां कि आपने क्या गलतियां की हमें बताओ, हम वो गलतियां नहीं करेंगे। एशियन कंट्रीज का प्रॉब्लम क्या है पता है कि हमको फेलियर पसंद नहीं है और हमको वो लोग पसंद नहीं होते जो फेल होते हैं। बट कई बार लाइफ की बहुत बड़ी इंसाइट्स वहां से मिलती है, उन लोगों से मिलती है कि जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की है लाइफ में, जो लोग बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो वो इडियोक्रेसी और स्टूपिडिटी नहीं होती है, सीखना वहां से एक्चुअली वो गोल्ड माइन होती है, तो वो सीखो तो वो भी ज्यादा बेहतर रहता है, राइट? सो मैंने मेरा एक पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं क्या चैलेंजेस फेस कर रहा था। वो चैलेंजेस को मैंने 6 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया और अपने तरीके से मैंने रियल लाइफ के एग्जाम्पल को जोड़ के आपको समझाने की ट्राई की और कुछ सॉल्यूशंस मैंने आपको देने की ट्राई की, ताकि आप थोड़ा उस डायरेक्शन में सोचना भी शुरू करोगे ना तो भी कुछ कुछ सॉल्यूशन आपका ट्रेडिंग में सुधार आते जाएगा। कि जस्ट बिकॉज कि आप अब अवेयर बन गए कि हाँ ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स का पता चल गया, ये प्रॉब्लम्स क्यों मेरे साथ हो रहे हैं और इसको सॉल्यूशन में कैसे निकाल सकता हूँ। जस्ट आप सेल्फ अवेयर इतना हो जाओगे ना तो भी आपके ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बाकी आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी जहां पे असमंजस में हो आप, कंफ्यूजन हो, माइंड क्लियर नहीं है, तो मेरे साथ व्हाट्सएप में आप कनेक्ट हो सकते हो। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में, और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया, तो और Q&A सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे, ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस पे फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी
जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद आप अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है,